हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टाइन फैक्ट्स। चलिए देखते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के रियल ट्रूथ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है इजिप्शियन पिरामिड टॉम्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए थे सिर्फ फेरोआ किंग्स के टॉम, आम इंसानों के नहीं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों हम सब ये सोचते हैं कि पिरामिड बनाने वाले स्लेव्स और नौकरों को इजिप्ट के किंग फेरोआ जबरदस्ती करते होंगे, बट ऐसा नहीं था। नौकर खुद मजदूरी करते थे और इसके उनको रोज के अच्छे पैसे और खाना मिलता था इजिप्ट के फेरोआ किंग की तरफ से। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको पता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ओल्डेस्ट पिरामिड है इजिप्ट का। इसे फेरोआ कुफू ने बनाया था 8 डायनेस्टी के और ये बना था 2580 से 2560 BC में। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आपको पता है पिरामिड्स के डोर 20 टन से भी ज्यादा भारी है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों क्या आपको पता है इजिप्ट के गीजा पिरामिड के अंदर टनल्स भी है और बहुत सारे मिस्टीरियस बॉक्सेस की खोज भी की गई है इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा। हर बॉक्स 100 टन से भी ज्यादा भारी है। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आपको पता है पिरामिड्स को बनाने में जो पत्थर यूज हुए थे वो हाथी से भी ज्यादा भारी थे। सब 10 टन या उससे ज्यादा हैवी थे और उस समय के लोगों ने इसे कैसे उठा के ट्रांसपोर्ट किया होगा, ये साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों क्या आपको पता है टोटल 138 पिरामिड बने थे एंशियंट इजिप्ट में और हर एक पिरामिड को बनने में 200 साल लगे थे। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया भर के रिसर्चर्स ये मानते हैं कि 1000 BC से पहले हर पिरामिड के अंदर के किंग और फरोआ के दफन टॉम से सोना चांदी और हीरे जवाहरात चोरी हो चुके थे जो उनके बॉडी के साथ दफन किए गए थे और बहुत कम खजाने ही मिल पाए हैं 1000 BC के बाद मॉडर्न लोगों को आज के टाइम पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।